तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस नेता मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और वो पहुंचे हैं सुरेंद्र पटवा जो कि बीजेपी के नेता हैं उनके घर। और इतना ही नहीं, यहां पहुंचकर उन्होंने सुंदर पटवा जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम रह चुके हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता रह चुके हैं, उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया है। पूरा मामला क्या है आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। दरअसल मामला यह है कि मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह आज सुबह पहुंचे सुरेंद्र पटवा के घर, भोपाल में जो उनका निवास है वहां पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाने वाले सुंदर पटवा को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसकी तस्वीर सुरेंद्र पटवा ने अपने सोशल मीडिया पर जारी की और लिखा, आज पूर्व मुख्यमंत्री राज्यसभा सदस्य आदरणीय श्री दिग्विजय सिंह जी ने भोपाल निवास पर पधारकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पद्म विभूषण स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा जी के छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और आदरणीय बाई जी से मिलकर उनका आशीर्वाद लिया और कुशल क्षेम जानी। आपको बता दें कि सुंदरलाल पटवा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता रह चुके हैं। और ये भी बता दें कि राजनीतिक गलियारों में कहा जाता है कि आज के जो सीएम है मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, उनके गुरु भी रह चुके हैं सुंदरलाल पटवा। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश की जमीन पर बीजेपी को खड़ा करने वालों में सुंदरलाल पटवा का नाम शामिल है। अब ऐसे में जब मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव नजदीक है, उससे पहले दिग्विजय सिंह जो कि कांग्रेस के नेता है, मध्य प्रदेश के सीएम भी रह चुके, उनका सुंदरलाल पटवा को पुष्पांजलि अर्पित करना, उनके निवास पर पहुंचना, उनके परिवार वालों से मिलना, ये तमाम तरीके के सवाल खड़े कर रहा है। आपको बता दें कि कुछ ही महीनों में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, उससे पहले कांग्रेस लगातार अपनी जड़ें मध्य प्रदेश में मजबूत करने में लगी हुई है। दिग्विजय सिंह लगातार हर एक जिले का दौरा कर रहे हैं और इसी कड़ी में भोपाल में जब वो बीजेपी नेता के घर पहुंचे तो मध्य प्रदेश की सियासत में आपको बता दें भूचाल सा आ गया। ये भी आपको बता दें कि सुंदरलाल पटवा जिनके निज निवास पर दिग्विजय सिंह पहुंचे थे वो बीजेपी के नेता हैं, साथ ही वो बीजेपी से विधायक भी हैं, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और उन्होंने ये वीडियो अब जारी किया है जिसके बाद से अब नए समीकरणों की बात मध्य प्रदेश की राजनीति में चलती हुई सी दिखाई दे रही है। हालांकि दिग्विजय सिंह की इस मुलाकात का और सुंदरलाल पटवा को पुष्पांजलि अर्पित करने के क्या समीकरण निकलेंगे, क्या मायने निकाले जाएंगे, इसको लेकर एमपी तक लगातार आपको अपडेट देता रहेगा। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।